वेलकम बैक, पार्ट टू में आपका स्वागत है। सीधा क्वेश्चन पे चलेंगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मुझे A7 दिया हुआ है, A इज इक्वल टू 7 दिया हुआ है जो मेरा फर्स्ट टर्म होगा, D इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है और A8 इज इक्वल टू मुझे ढूंढना है। और दिया हुआ है कि क्या आप इसमें से ये AP बना सकते हो, क्या ये AP सही दी हुई है कि नहीं। अगर इन वैल्यू को हम ध्यान में रख के क्वेश्चन करें तो क्या ये AP हो सकती है, या ऐसा आपको पूछा गया है कि ये AP सही है कि नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। फिलहाल हमारे पास AP का फर्स्ट टर्म क्या है, A इज इक्वल टू 7, मतलब ये स्टार्टिंग वाला टर्म दिया हुआ है। डिफरेंस हमें 3 दिया हुआ है और यहाँ पे देखो A 8 है, तो N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे ये N की वैल्यू होती है, तो N की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई है। अब मुझे क्या करना है कि पर्टिकुलर कोई सीरीज चल रही होगी जिसमें फर्स्ट टर्म है 7 और उस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो 3 है, तो उस सीरीज के अंदर 8 नंबर पे कौन सी वैल्यू आएगी वो मुझे ढूंढना है, राइट। तो अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब an की वैल्यू कितनी थी, 8 थी, तो a की वैल्यू कितनी थी, a मेरे पास 7 दिया था क्वेश्चन में, प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू, डिफरेंस मेरे पास 3 था। नाउ a8 इज इक्वल टू 7 प्लस 21, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 8 माइनस 1 7, 7 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 प्लस 7 28, मतलब कोई सीरीज चल रही होगी और उसमें आप 8th वाला टर्म देखोगे तो वो आपको 28 मिलेगा, जिस सीरीज में फर्स्ट टर्म है 7 और सेकेंड कॉमन डिफरेंस रहेगा 3। तो आप इस तरीके से आप बिना सीरीज लिखे आपके फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म से आप क्या कर सकते हो, उस सीरीज का कोई भी नंबर का टर्म आप फाइंड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे मेरे पास a इज इक्वल टू माइनस 18 दिया हुआ है, d मेरे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क है, n की वैल्यू दी हुई है 10 और an मेरा है 0 0, राइट। तो अब an दिया हुआ है तो मैं पहले an का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिलहाल n की वैल्यू मेरे पास क्या है, 10 है, तो a10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। अब a10 की वैल्यू क्या थी, a10 मतलब an, an की वैल्यू तो 0 0 थी, तो मैं 0 0 रख लेता हूँ। a की वैल्यू क्या है, माइनस 18 प्लस ये 9 डी, राइट। अब ये 0 0 है, मैं 18 को यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये 18 इज इक्वल टू 9 डी। अब 9 को नीचे लेके आ जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, 18 बाय 9 इज इक्वल टू डी, देयरफॉर डी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। मतलब कोई सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म माइनस 18 है, जिसका फर्स्ट टर्म माइनस 18 है और जिसका लास्ट 10th वाला टर्म, ठीक है, जिसका 10th वाला टर्म 0 0 है, तो उस सीरीज का डिफरेंस है वो 2 रहेगा। आपको ऐसे एनालाइज करना आना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर रहे हो वो भी आपको पता होना चाहिए, फिर ऐसा नहीं कि आपने फॉर्मूला रख दिया और आपने बस सॉल्व कर दिया। मिलते हैं पार्ट 3 के अंदर कुछ नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।